वमा मिन रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, कोई ऐसा रसूल नहीं कि जिसकी इताअत अल्लाह ने इज़्न तो बगैर न की गई होवे, कोई ऐसा रसूल नहीं। हर हर रसूल की इताअत अल्लाह ने हुक्म नाल की थी, ते जिस वेले अल्लाह ने हुक्म ला लिया ते तुसी अल्लाह की कुदरत ने मुनकर हो गए। ये हुण जरूरी है कि ये सारे काम तुसां ने हत्थां ते ही करा दे। कंकरियां के तू बोलियां वो काम करे, खराब होया हो जनानियां नहीं बोलियां तो भी अपने मूल उसा तुसी सीधा नहीं कर सकती, कंकरियां की बोल सकती। इस वास्ते अल्लाह की कुदरत चाहिए। भाई परेशान ना हो, गल मैं कर रहा, मैं बड़िया सही गल कर रहा, समझ आई? बोलो तो गल ठीक है कि नहीं? हाँ, जरा दौक का इजहार करो। हुजूर ने या अंबिया ने जितने मौजजात हैं ये अल्लाह की तरफ, अल्लाह की तरफ जिसलिए उस रसूल तुम मनते हो, कुरान उसना आंदा या तुसी मनते हो, तो उसने हवाले नाल जिहड़ियां चीज़ां जाहिर होईयां वो तुसी इनकार करने हो। ये अजीब गल है, अपनी मर्जी की गल जिहड़ी होवे उसां ईमान के नाया कि जिहड़ी अकल तो बाहर होवे उसां आखे जी ये एवें असातीर अवलीन हन, ये तो बड़ी बुरी गल है, ये हसद है, ये बुग्ज है। ते ए ओ विलायत है, ए ओ मकाम है कि जड़ा खरके आदत है, ये अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी है और इन लोगों ने इताअत है अल्लाह ने अपने मालिक ने इतनी इताअत करने कि हर चीज मुसख़र फरमा छोड़। मैं घर के लिए मैं आखी कर सा ओ मैं उन लोगों ने गल करना पिया कि मुजद्दद अल-फ़िसानी जे लोग तुसां ते मां दिहाड़ी खाधी शह हमारी याद नहीं रही, समझ आई ना? ये लोग जिन्हें अलस तो बिरफे को जी कतार लगी ना उस जे लोग खलोते मुजद्दद अल-फ़िसानी साहब फरमाने कि मां पता है मैंने सजे पासे फलाना आदमी खाता है खब्बे पासे फलाना आदमी। फरमाया कि नहीं कि लौकान नबीयुन बादी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबूवत किसी को आवेगा तो उसमें मुस्तहिक उमर है। बोलो वे सुनियो और बोलो तो सही, कैडे आराम न बैठे तुसी उपलो वे उत्ते जड़े बैठे हो। गल कर सा माकूल गल कर सा कासिम माकूल गल नहीं करो लगा, अगर किसी का इतराज है मैं इतने भी आदरा तो उठे भी आदरा। खुशामद किसी ने भी नहीं, जेड़ा तरीका मां समझ आया है और मैं सा सही समझना मैं बयान कर रहा, ते जेड़े असने मसलक दी आवाज कमजोरियां उन्हां भी ना गलत आ ये गल नहीं, लेकिन तुसी लोग जिहड़े इन्हां चीज़ां का इनकार कर रहे हो फिर तुसी नबूवत ने मौजज़ात का भी इनकार करो, अल्लाह की कुदरत का भी इनकार करो, ये फिर इनकार उत्थे भी वैसे तुसां नी किहड़ी जगह किथे किथे तुसां टक्का, कदे तुसी इस चीज़ ने इनकार करके बैठे हो, कदे उस चीज़ का इनकार करके बैठे हो, कदे ऐ वे कदे ओ वे, हैं किस किस्सा जो रोका किथे किथे आ रखा, किस किस की जबा रोकने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की जबा रोकने जाऊं तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं। सारे मुल्क बर्बाद करके रख छोड़ा, ज़हनी अकीदत मजरूह हो गई, चंगे भले समुंदर खामोश समुंदर एक तलातम पैदा कर दिया, समझ आई ना? ये गल गलत है। देखो मैं जी गल की सलीम उत्तबा और सहीन आदमी और इलम वाला आदमी समझ रही,
چبل ذہن نے بندے نہیں سمجھ سکتے. حضور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو گیا تے عمر ہو گیا. مطلب کہ ہویا کہ نبی نہیں عمر لیکن عمر وچ نبوت دیاں صلاحیتاں ساریاں ہیں. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ علماء کہ جناب عمر ہے وہ تمام کوالٹی صلاحیتیں موجود تھی جو انبیاء کے لیے مخصوص ہیں. سبحان اللہ. جینیس پن نبوت اور صاحب الرائے ہونا اور کمال کا ذہین و فتین ہونا. جڑیاں جڑیاں تعریفاں نبیاں چونیاں چاہیئیں وہ جناب عمر چ پائیاں ہوئیاں لیکن اللہ انہاں نبوت نہ حکم نہیں دیتا. ہوں تسی دسو نبی نہ ہونے تسی تے عمر جناب عمر برابر ہو کے بولو. صحابی ہونے وچ تے اسی غلام ہوئے جناب عمر نے وہ بولو تو صحیح. لیکن نبی نہ ہونے عمر تے اساں کوئی فرق نہیں. نو نبی نہ سی نبی یہ گل ٹھیک ہے لیکن ثابت ہویا کہ جناب محمد رسول اللہ کو بعد جڑا بندہ بھی آیا صحابہ وچ چاہے اہل بیت جو وہ مرتبہ نبوت تے فائز نہیں ہویا. نہیں ہویا نا. تے جڑا مرتبہ نبوت جو صحابہ وچ نہیں ہویا اہل بیت جو نہیں ہویا تے خدا جانے کسے بھی بنا دے نبوت نہ دعویٰ نہ منہ نہ متھا تے چند پاڑو دتا. اگر نبوت نہ دعویٰ کریا تے علی حجویری کریا جنید بغدادی کریا ذنون مصری کریا سوری سکتی کریا معروف کرفی کریا معین الدین اجمیری کریا عبدالقادر جیلانی کریا. عبدالقادر جیلانی کے آگیا وَكُلُّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِي. ہر نبی میں ایک طریقہ ہے کہ میں اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ نے اسوہ حسنہ پہ چلنے والا. انہاں لوگاں جرت نہیں کیتیاں تے توں بلا کی تم آ گیا تے گل بھی کوئی نہیں وہ معقول گل بھی کوئی نہیں کوئی سمجھے بھی گل بھی نہیں سمجھ آئی. اس واسطے میں کہ آکھ رہا توجہ میں اے آکھ رہا ہاں کہ جناب عمر اس حدیث تو بات پتہ لگنا ہے کہ آپ نے وچ استعداد نبوت تھی فرمایا. اس تو بعد اس کو پتہ لگیا کہ جناب عمر تو بعد ایک مخصوص نہیں جناب یہ تب حضور نہ عہد مقدس ہونا پایا نا تے حضور اطلاع دے چھوڑی ایسا حدیث میں حوالے نہ اطلاع مل گئی حضور تو بعد جناب عمر تو بعد اب تک قیامت تک حضور نے امت جو ایسی شخصیات پیدا ہوتن جنہاں نیاں استعداداں اس انداز میں ہو سکتا. آپ منع نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ باندھے تھے اب تک کہ ایسی استعداد رکھنے والے لوگ پیدا ہو سن. اس حوالے نال یہ گل سمجھ گئے ہو. اور میں تساں پیرانے پیر کی گل ارباب کشف لکھیا انہاں آکھیا کہ عالم جس طرح میں مجدد صاحب نے مثال دیتی نا فرمایا کہ میں نے سجے پاسے فلانا کھڑوتا ہے کہ کھبے پاسے تساں یاد ہے تسی بھی سارے کھڑوتے ہیں اے پوچھو ان کے جڑے آنے لائیں انہوں نہ یاد کسی ہمیں کچھ نہیں بھی یاد نہیں فدری نہ ناشتہ نہیں یاد سمجھ آئی. انہاں آکھیا کہ ماں یاد ہے سجے پاسے کون ہے تے کھبے پاسے کون ہے تے غوث پاک اسی صف نے لوگ سرخیلِ اولیاء سرخیلِ اولیاء تے جس ویلے نبیانی خریص اے صف لگینا ازل بچ عالمِ ارواح بچ عالمِ ارواح بچ لگی کے نہیں دے جس ویلے اللہ پوچھیا الستو بے ربکم وے میں تسانا ربنا سارے آنکھوں کیا گیا
कालू बला सारे आख्या हां जनाब तू असल रब है आख्या कि नहीं ये तो कुरान है ना ते ये गल किसी का याद है कोई असा आख्या है उस वैदे या उस हामा भूल गया ना सारे गौस पाक के बंदे याद रखी गए जेड़ा हां कीती ने इकरार उठे ये ना याद है इस वास्ते उस हां मुबारक सफ लगी अंबिया ने एक जगह खाली शेख अब्दुल कादिर जिलानी और तमाम सूफिया अल्लाह ने मकबूल उस पिछली सब सिद्दीकीन की सब में खड़ोते एक जगह खाली है गौस पाक नबी ने उस खाली सफ उस जगह पे आप आगे हो सुनियो गौर लो गौस पाक नबियां नहीं सब में खड़ो गए आगे हो गए फरिश्तियां फिर पीछे नफरे कर छोड़ कि तेरी सब नहीं नबियां नहीं सब उन्हें पीछे कीता गौस पाक फिर आगे खड़ो इतने में चार पांच वारी ये अमल होया ना ते हुजूर सैयद अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आप तशरीफ ले आए ते फरिश्ते अर्ज कीती या उस वक्त जिहड़ी मखलूक गई अगर कोई आके जी सिर्फ फरिश्ते किथे मौलवी ना ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲ ਉਤਾਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੱਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀ ਨੇ ਗੁੰਗਾ ਪੀਰ ਖਾਲੀ ਫੂਕ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਜੋ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਮੀਨ ਬਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚਾਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਸ ਆਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਆਓ ਨਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ मेरी गल समझ आई मां पता है आसो उथे फरिश्ते केड़े है उथे जेड़ी भी मस्त मस्त आसानी पर बाहर ले गल हुई उन्हें आख्या हुजूर तशरीफ ले आए ना ते आप फरमाया ना अर्ज कीती कि जनाब ए तुसानी उम्मत दे जी बंदा है ते फलाने अरसे विच फलाने दौर च पैदा हो सी ते सारे सिद्दीकीन और तुसानी उम्मत ने उलमा पिछली साफिल खलोते ए है नबियां नी साफिल आ खलोना है फिर असि 5-6 बारी पीछे कर रहे हैं फिर खलोना है ए हजरत उमर अली गल याद रखियो ते ओ जेड़ी विलायत जेड़ी नबियां नी फैसल नी ना ए ओ गल याद रखियो ते पता है हुजूर के फरमाया आप मोड़े तो नप के फरमाया के बेटा अब्दुल कादिर फरमाया बेटा अब्दुल कादिर तेरे विच सलाहिता नबियां आली है लेकिन तू नबी नहीं है इस वास्ते पिछली सब विच खलो ता गौस पाक पीछे खलो ते नाना जान ने हुक्म ने मत ए ओ शख्सियत ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਮੁਤਜ਼ਿਲਾ ਜਹਮੀਆ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਦਲੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਇਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਖੁਲਫਾਏ ਸਲਾਸਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਹੈਬਤ ਹੈ ते मशायत सरकारी मशायत ते दरबारी मुला ये पढ़े उस मकाले में जिस गौस पाक मुखातब किया है लोग आ रहे ना जनाब के ये पीरां ते मौलवियां ये मुखातब रखना है ये गौस पाक की सुन्नत है गौस पाक ते फतवा दाओ उन्हें क्यों सरकारी ते दरबारी मुला ते पीरां मां दबाया है मुजम्मत की थी है उठे इस मसले नहीं बोलने कि यारवी कौन देसी थे यारवी ने पैसे कौन देसी पीर आ रहे ना हाथ कौन चून सी मौलवी आ रहे ना असा यारवी कौन खड़ा सी जे कदे गौस पाक ने किसी गल ना इनकार कर छड़िया ते ए फिर बाद जेड़े कमजोर लोग नु उना ही लताड़ना ने जड़े बड़ो ना फिर जड़े ना टक्कर लाओ सारे ने ते गौस पाक ना टक्कर लाओ रद
लगनी इसी गल मैं पेश कर लगा और रिसाला छत्ती पढ़ो और कोई बोल पे ये अपने मसलक तू हट ते गौस पाक अपने मसलक तू हट गौस पाक तो इतना दर्द देता है ते क्या वो ना रसूला ना काम नहीं किया गौस पाक ये अपना के मैं नफो जरर ना मालिक हां आओ मैं बैठा हूं तुम मेरे को जो कुछ लेने हो तुम मेरे को लाओ अल्लाह फारिग हो गए ना उनके लाओ ये पीर नहीं आया उसने तबलीग रसूल वाली तबलीग है वो सारी मखलूक अल्लाह ने दरवाजे पे भेजा समझी ने मेरी गल और मैं तुसा दसा कि तुसानिया हर सिलसिले का पीर सिवा गौस पाक पीराने पीर को छोड़कर हर सिलसिले ने पीर उत्ते कोई ना कोई इतराज वारद होती ये भी मैं अकीदत ना आख रहा लेकिन गौस पाक नियो तालीम है कि सिद्धी रसूलानी कुरान ते सुन्नत की तालीम इस्तिलाहात तसव्वुफ तमाम उस शेख की नजर में थी वो तंजीब भी जानता था तशबीह भी जानता था दर्जे इतलाक भी जानता था मकाम जमुल जमा भी जानता था वाहिद भी जानता था और इतलाक भी जानता था तकय्युद भी जानता था मगर किसी इस्तिलाह में उम्मत को नहीं उलझाया सीधी सादी रसूलों की तबलीग की मौलवी ते पीर जैसा दो चार लाख वो फिर इस्तिलाहात उलझाना है ये है वो है इबारत गुजलक लिखसी औखी जनाब सुभान अल्लाह इतना इल्म है इबारत ही नहीं समझ आती ते तकरीर करण ते तकरीर ही समझ नहीं आनी आहने के पे ते कमाल है जनाब के इबारत समझ नहीं आनी ओहो अल्लाह अकबर क्या इल्म ना समुंदर है बल्ले नहीं पिया तो तुम दसो कुरान तो बड़ी कोई शह है इलम बयान कुरान समझ आवे मौलवी नहीं इबारत समझ ना आवे कुरान इतना जहा सेहत भी होवे ना तो इतना समुंदर है कुरान उसना एजाज बयान है वे कि बच्चे हम याद हो गए और जरा अरबी समझ हो सी तो समझ सी कि अल्लाह क्या ना बयान समझ आवे ना तहरीर समझ आवे ना तकरीर ना भी जगत मार के बारे में आसान तक समझ आओ उस बात कल कल्ले मुनाफा अला कदरे उबूल है लोगों ने अकला ने मुताबिक कर करो मां भी त्रुटि बची उर्दू आनी है मैं भी जजे तुले लफ्जों च गुफ्तगू अल्लाह ने बदल ना कर सकता मैं क्यों छोड़ी गल वो बयान क्यों छोड़े है छोटे मोटे खतीबी होने उर्दू च एड़ी चोटी ना जोर ला छोड़े तरप तरप के कितनी मुसीबत पाने पर सो जोम शुरू ना सिरे तो गिटिया में लगना होना जोर ला ला के एड़ी चोटी ना जोर ते कख समझ नहीं आनी फायदा की तुसा इल्मियत दसनी है या इल्म नहीं गल लोगों ने सिना च पानी ते कमाल ता ए वे के गल समझ आ रही है ओ एक बंदा आखो लगा मैं लाहौर बयान कीता उथे कला गुजर सिंह जी उस आखिया जी ये तुसाने सूफिया के बाद शेर और ना गल तो समझ नहीं आनिया औखिया वो अंग्रेजी बोल रहे थे अजकल ये भी मार पड़ी है अरबी अल्लाह ने रसूल नहीं जबान है इसा सीखने वास्ते कोई बंदा तकलीफ नहीं करे एक के जी अरबी फारसी के जी तमाम कुरान सूफिया फारसी जबान में मुंतकिल किया मफहूमा हदीसा कुरान सूफिया अपनी मिसाल देख इस वास्ते फारसी जबान ना पढ़ना जरूरी वरना तुसी सूफिया ना तल्लक नहीं रख सकते अगर फारसी जबान छोड़ दो तालबिलम भी सुनने पे सारे ते अरबी जी ये जरूरी है क्योंकि अल्लाह ना कलाम नहीं समझ सकते ते अजकल एडे एडे मोटे लफ्ज अंग्रेजी कलाम ने विच इस वास्ते पाने ताकि जरा ऊंची सोसाइटी ने बंदे मालूम और इनके पास बड़ी तालीम ये जदीद सोसाइटी के लोग हैं जिथे नहीं भी लफ्ज है ना उथे भी अंग्रेजी अंग्रेजी
कलमा मोहम्मद मुस्तफा ना ते ज़बान ते अंग्रेज़ी जिहड़ी लिखी पुठी बिंदी मुनकर नहीं आ। इस दौर का तकाजा है कि असी अंग्रेजी भी सीखा कंप्यूटर भी सीखा यह जरूरत है लेकिन फखर ना करो फखर करो ते अल्लाह और रसूल की जबान से फखर करो समझ आई ते वो कड़ी कड़ी इधरा लतीफे वास्ते मैं गल करना पे जरा जागो मनी बयान में इंशाला याद खुब के सुनने दितने जे बोलने जोगे नहीं रहने या तो ऐडे खुब ने ना के बोलने जोगे नहीं रहने या फिर पता नहीं मैं आना याद सुन नहीं रहे के वजह वो कड़ी कड़ी लफ्ज में छटे अंग्रेजी ने मैं कहो औला रखा तो कोई अरबी नवी लफ्ज आन मुसलमाना ने कार जमया सूफिया नाल आखिर प्यो दाले ने कल दाता है कोई अरबी फारसी ना भी लफ्ज बोल छोड़ के सुने बुजुर्ग बोलते रहे फिर मुड़े जी मैं फिर अखीर पूछा मैं क्या जनाब का मस्कत और रास कहां है मस्कत और रास वो आके मस्कत और रास के मैं क्या जे जो है तू सबक पे पढ़ना एक एक अके तुसी एक जनाब जुमला मैंने पीछे अंग्रेजी ना आके देखो मैं कह तू कुरान की आयत पढ़ तो मैं तेरे पीछे पढ़ना तू हदीस से रसूल पढ़ तो मैं तेरे पीछे पढ़ना हो मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ा तेरे पीछे ये एडिक के नहीं पकड़ नहीं गाले मैं क्या एक असाना सूफी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ऐसा नाबगाए रोजगार बंदा पैदा होया उसनी एक गल मैं तुदा दो दसना तू मत मैं उन्हें पढ़ना उसनी गल ते और तू पीछे पढ़ आपको लगा चल आसा मैं तुझी है मौलवी बैठे सारे आसा बड़ी आए केड़ी से किथे बिज रहे ये सी थल्ले ने टुरने रहने है जी इधर उधर मैं फिरना रहना मेरी गल सुनने पे हो मैं दसना मेरे सौर मैं आना पाया कि इधर उधर गल निकली मेरे नक्कादों से कह दो इधर उधर मैं निकल लेना यार है बयान करना है बयान करना है इतने जोर देना इधर बहुत जोर देना मैं बयान करना होना जो मैं समझना बयान तुसी जो कुछ समझो बयान नहीं करते तुसी कहोगे मुंह में जबान है तुसी बोल रहे हो तो मैं भी जबान है मैं भी बोल रहा तुसी जो चाहते हो तुसी बोल रहे हो जो चाहना मैं बोल रहा ते इधर उधर की गल होनी है लेकिन अल्लाह ने फजल ला मेरे नक्कादों से कह दो मेरा भटकना खेल नहीं सुनो मौलवी हजरात ऐ नाकदीन जड़े बैठे किरामन नाकदीन मेरे नक्कादों से कह दो मेरा भटकना खेल नहीं दाएं बाएं फिर आता हूं समझ को सीधा रखता हूं मदीना शरीफ है समझ आई हां इधर उधर हो आने तकने है के पे कारण ते है के पे आने सुनने सारिया वा क्या तुसा ना नबी सारिया दी सुनना नहीं रिया सारिया दी गल्ला ओ काफरा दी गल्ला भी सुनना रे तुसी मुसलमाना दी गल्ला सुन के रिया ना ने मुसलमान दा गल्ला सुनया करो की गल आ रिया ते गल सुन सो ते ता जवाब दे सो ना
इस वास्ते मेरे नकादों से कह दो मेरा भटकना खेल नहीं, दाएं बाएं फिर आता हूं, समझ को सीधा रखो। मैं उस चलो तुदा बहु नखरा ना अंग्रेजी ना आम अके खुसरो जबान खुसरो फरमाया कि आ रोज के रूह है आ तमामत बतन जिस दिहाड़े आदम की रूह इस काल में आई है ना अजबी में गुना नमी शुदे अंदर तन गुना ने खौफ वेख के ना रूह पाक होनी है जिसम पलीत करना है खाना तुसी पाक खाने हो खाना राती तुसी पाक खाने हो सुबह तुसा ने जिसम नहीं सुबह तुसा पलीत कर खाना पाक होना खाना पाक होना है तुसा ने जिसम नहीं सुबह तुसा पलीत करनी और तेरे ते जिसम नहीं सुबह खाने जे पाक चीज हम पलीत कर छोड़नी है तो उस नबिया तक जिसमें हर शह नूर है नबिया ना रीसा ना करो जड़े करने पे ना उना ना उना वास्ते वक्त पे है उना ना मकाम हो रहे ते गुनाह ने डाकू रूह भी अंदर नहीं बढ़नी कि इस काली कोठरी च मैं बढ़ सकती गुनाह कर सी ते मैं पाक हूं उन्हें रूह हो मिन अमरे रबी रूह अमरे रब का नाम है और अमरे रब पाक है अमरे रब पाक है इस वास्ते इस कोठी च मैं ना बढ़ूंगा एक किस आख्या रूह अमीर खुसरो के आख्या कि खातंद मलाइका वलह ने दाऊद दाऊद अलैहि सलाम ना फिर नगमा ए मौसी की नहीं अमीर दस रहे अमीर खुसरो के लह ने दाऊदी विच फिर मलाइका के पढ़िया दर्दन दर्दन दरा दरा मत दर्दन ऐ रूह तू जिसम में दाखिल हो जा जिसने दो त्रै वारी उस लह ने दाऊदी जाके ना ते ता वेंज के रूह जिसम में दाखिल होई आ रोज के रूह है आदम आमद बदन अजबी में गुनाह नमी शुदे अंदर तन खां गंद मलाइका बलह ने दाऊद तर तन दर तन दरा दरामद दर तन थे लुकनत जबान जिना के होवे ओ बंदे बोलने अल्फाज की अदायगी दुश्वार होनी है अमीर खुसरो ओ बंदा है कि जिस कुड़िया डोली च भी पवाया ते जनाबे भी बंदे ने टोरे हर मकतबे फिक्र वास्ते शेर आखे सुभान अल्लाह ज़हीन जीनियस आदमी हुजूर की उम्मत ना और निजामुद्दीन औलिया ना महबूब खलीफा है जी महबूबे महबूबे इलाही फरमाए उन्हें खतिया से उन्हें फरमाया कि आ लक लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक अंदर लमकिन लमक लकिन लम लमकिन लक अब नर किस मस्ताने तो हम बे दिलो हैरा आशिक शमकिन शमक शकिन शम शमकिन शक अंग्रेजी पढ़ना पे तू ए फिक्रे आठ बड़े पीछे ये ऐवे खेड नहीं ये जो मैं आख्या ये खुसरो ने कमाल से नता पर जो अल्लाह दिता ये तुसा मैं दसा के मादरा के चीजे सुर के चीजे राग के चीजे तुसा ता पता लगे मैं तो मौलविया च बैठा है मैं बड़े बड़े उस्ताद आए सलामत अली खान थे बड़े बड़े उस्ताद मेरे को उठे आए असा जिसे दे मौसीकी दे मैं शुरू की थी तो मैं उन्होंने पूछा तुसी मां सुर नहीं तारीफ करो लफ्जों में वो तारीफ करें कि सुर समझ आएगा सुर का नाम क्या है सुर सुर की तारीफ क्या है फिर ताल और लय में फर्क बताओ कि लय क्या चीज है और ताल क्या चीज है बड़ी मुश्किल हो गई गुनाह
نصرت فتح علی خان آیا ہوتے اور اس کو میں پوچھا کہ سر کی تاریخ لفظوں میں بتا اور اس نے انٹرویو دیتا بھائی مولوی نا آخر جی میں ذرا گور شو پہ ذرا آ گیا آسا میں اس پاس یہ آج زندن آ گئی کیونکہ سر نال بھی اتنے کئی تو سرے ہیں نا جنہیں سر نال سر نہیں بے سرے ہونے نا ہاں آخیا بھائی یہ کی چیز ہے امیر خسرو سر نہیں تاریخ سر تو اس آخیا نصرت فتح علی خان مرحوم اتنے لندن نے انٹرویو میں تم بڑے بڑے اچھے لوگوں میں بیٹھا ہے گایا ہے تم دس کوئی اس میرا نام ہی لیا کہ ایک وہ آدمی تھے ایک اور آدمی دسیا کہ یہ بیٹھے ہو تو پھر میں ذرا سمجھداری نال تے سمجھ کے بولنا ہے کہ ماں دسیا کسی بندے ہوتے پھر اس کا انٹرویو آیا مطلب ہے کہ میں سمجھنا سورا سورا سمجھنا سور والا سمجھنا ہے کہتا ہے وہ سر کی جس کے سر میں کچھ ہو کہتا ہے وہ سر کی جس کے سر میں کچھ ہو کشکول بھریں گے کشکول کسی کا کیا بھریں گے منگتے دیتے ہیں وہ بھیک جن کے گھر میں کچھ ہو منگنے والے کسی نہ کشکول کے پر سن جنہوں نے غلط تھانے پہ ہو وہ کسی نہ کشکول پر لیا تے سر لیو اور گل کر رہے جڑے جنہوں نے سر وچ کچھ ہوئے تے سر انہوں نے سر وچ ہونی جنہاں نا سر محمد مصطفیٰ نے در تے ہوئے کوئی شک نہیں ماشاءاللہ در نال سر تے سر نال سر تجھ سے در در سے ہے حق حق سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا امیر خسرو رحمت اللہ علیہ آپ لگا چھو کرے آپ لگا یہ تو بڑا مشکل سامنے میں کیا اپنے چیزاں نے وارث بنو اپنی چیزاں نے دکانہ کھول کے بیٹھے اور صوفیاں دیا متولی تے وارث بنے ہو تے سجادہ نشین بنے ہو تے صاحبزادے صاحبزادے تے پیرزادے بنے ہو مولویاں نے پتر بنے ہو تے سدھی آیت نہیں پڑھن دی ترجمہ آنا تے بڑی مشکل گل ہے میں غنیمت سمجھنا ہے جڑے طلبا میں نے سامنے بیٹھے ہیں کہ جڑے دین محمد نہ علم دے حاصل کر رہے ہیں چار بندیاں اللہ رسول اللہ راہ دتا سن گنگا ہو کے بیٹھے تھے قیمت کہ جی ایسا نہ طریقہ نہیں وہ تو سارا طریقہ کہہ رہے تو سارے دادے نہ تا طریقہ یا کہ خطیب منبر بغداد بغداد میں منبر پہ آفاقی اعلان کر رہے ہیں تو سنا دادا ہے اور دادے نے ساریاں گلاں چنگیاں تے خطابت چنگی نے تسی آکو جناب غوث پاک نہ بیان کتے تے تیرا تے میرا بیان کتے تے پھر محمد مصطفیٰ نیا نمازاں کتے تے اسانیاں کتے چھوڑ دیو نمازاں غوث پاک نہ بیان کتھے غوث پاک نہیں تحریر کتھے غوث پاک نہیں تقریر کتھے تے تیری میری تے نصیر الدین نہیں تقریر تے بیان کتھے تے پھر محمد مصطفیٰ نہیں نماز کتھے آپ نے صوم و صلات کتھے آپ نہ تزکیہ نفس کتھے مسجد جانے نہیں شان کتھے حجرے دوبار آنے نہیں شان کتھے ہے جی